जस्टिस पिनाकी चंद घोष होंगे देश के पहले लोकपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया नियुक्ति। लोकपाल समिति में 8 और सदस्यों को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। कहा उनकी लोकसभा सदस्यता से ज्यादा जरूरी है गठबंधन की सफलता। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साबित किया बहुमत। मनोहर पारकर के निधन के बाद सावंत हुए थे मुख्यमंत्री निर्वाचित। घर आंगन में खेलने वाली नन्ही चिड़िया गौरैया के संरक्षण के लिए मनाया जा रहा है विश्व गौरैया दिवस। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। आप समाचार विस्तार से। जस्टिस पिनाकी चंद घोष देश के पहले लोकपाल बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस पिनाकी चंद घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। लोकपाल की सूची में 8 सदस्य भी हैं। जस्टिस पिनाकी चंद घोष इस समिति के अध्यक्ष भी होंगे। राष्ट्रपति ने जस्टिस दिलीप बी भोसले, जस्टिस पी के मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस ए के त्रिपाठी को न्यायिक सदस्य के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी। दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामसुंदरम, महेंद्र सिंह और डॉ आई पी गौतम और गैर न्यायिक सदस्य के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने ऐलान किया है कि वे इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि अभी मेरे जीतने से ज्यादा गठबंधन की सफलता जरूरी है। मायावती ने कहा कि अगर चुनाव के बाद कोई स्थिति बनती है तो किसी भी सीट को खाली कराकर चुनाव लड़ सकती हूं और जीत भी सकती हूं। उन्होंने कहा कि बसपा के आंदोलन के खिलाफ विरोधी कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हालात को देखकर अगर चुनाव बाद मौका आएगा तो मैं जिस सीट से चाहूंगी तो उस सीट को खाली कराकर लोकसभा की सांसद बन सकती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए देश के वर्तमान हालात में जरूरत को देखते हुए तथा अपनी पार्टी की मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित व देश हित का भी यही तकाजा है कि मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं। गोवा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सदन में बहुमत साबित करने में सफल रहे। उन्हें बहुमत परीक्षण के दौरान 20 विधायकों का साथ मिला। सदन में बहुमत परीक्षण से पहले सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि बहुमत उनके साथ है। गोवा में नवनियुक्त मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली है। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद कल देर रात प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री के अलावा 11 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। उधर चुनाव सरगर्मियां बढ़ने के बावजूद विपक्ष के गठबंधन को लेकर असमंजस बरकरार है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी खींचातान चल रही है। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। इस बीच भाजपा ने मैं भी चौकीदार अभियान की आलोचना करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही इस चरण में मतदान वाली सीटों के लिए उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 26 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच 27 मार्च को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 29 मार्च है। इस चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के अलावा बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तर प्रदेश की 8, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों के लिए चुनाव होगा। इस बीच सियासी गतिविधियां भी तेज हो रही हैं। कांग्रेस समेत कुछ दलों की ओर से मैं भी चौकीदार हूं अभियान की आलोचना किए जाने पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि जो लोग पूरे परिवार के साथ जमानत पर हैं उन्हें ही इस आंदोलन से परेशानी है। राहुल गांधी बेंगलोर में स्टार्टअप के लोगों से बात करने गए थे, आईटी मूवमेंट जुड़े हुए। वो मेनाता टेक पार्क है, वहां उनका कार्यक्रम था। तो वहां कुछ टेकी लोगों ने उनका विरोध किया, कुछ सवाल पूछने की कोशिश की। बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और सिर्फ उन्होंने एक ही बात कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्साहवर्धक नारे लगाए थे। बस यही उनका पाप था, अगर मैं पाप कहूं तो उनके अनुसार।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं भी चौकीदार हूं, आंदोलन एक बड़ा जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैं भी चौकीदार अभियान से जुड़ने वाले लोगों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 500 स्थानों पर लोगों से जुड़ेंगे। पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगाने पर बेंगलुरु में कुछ इंजीनियरों को कथित तौर पर गिरफ्तार करने के बारे में प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी बोलने की आज़ादी पर हमें नसीहत देने के बजाय खुद सीखें। 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया, इसके इंप्रेशंस थे 1680 करोड़, 1 करोड़ लोग ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज किया कि मैं भी चौकीदार हूं, और इसका वीडियो व्यूइंग भी 1 करोड़ लोगों ने किया ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। ये एक पूरे दिन वर्ल्ड वाइड ट्रेंड था, मैं भी चौकीदार हूं, आई एम ऑल्सो ए चौकीदार, और इंडिया का ट्रेंड फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज दैट मैं भी चौकीदार हूं हैज बिकम ए बिग पीपल मूवमेंट। हम समझते हैं किनको परेशानी है, जो बेल पर हैं उनको परेशानी है, जिनकी पार्टी परिवार और संपत्ति कठिनाई में है उनको परेशानी है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को पूर्वोत्तर के दौरे पर थे। अरुणाचल में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वह अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का विशेष श्रेणी का दर्जा बहाल करेगी। आपके पास यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स हैं, सिर्फ उन स्किल्स को सपोर्ट करने की जरूरत है, ट्रेनिंग देने की जरूरत है, बैंक से जोड़ने की जरूरत है, वो काम हम करके दिखाएंगे। राहुल की बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी यूपी के दौरे पर हैं। उन्होंने भदोही जिले के कई इलाकों में लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस ने सोमवार देर रात अपने 56 लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। उधर यूपी में ही सपा बसपा गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने अपने 3 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। पार्टी अध्यक्ष अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से और उनके बेटे जयंत चौधरी बागपत से चुनाव लड़ेंगे। यूपी में ही अखिलेश यादव के चाचा की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने भी 31 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव खुद फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच बिहार और दिल्ली में गठबंधन को लेकर कांग्रेस की अपने सहयोगी दलों से माथापच्ची लगातार जारी है। बिहार में सीटों के बंटवारे पर मंगलवार को भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच बात नहीं बन सकी। वहीं दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन के मुद्दे पर जारी गतिरोध को दूर करने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। बात पश्चिम बंगाल की करें तो वहां भी कांग्रेस और वाम मोर्चा में सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन सकी है। सीपीएम ने राज्य में 38 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वाम मोर्चा का कहना है कि गठबंधन पर कांग्रेस के साथ बातचीत की गुंजाइश अभी बरकरार है। वहीं दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में दोनों प्रमुख दलों डीएमके और एआईएडीएमके ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। अन्नाद्रमुक ने अपने घोषणा पत्र में अम्मा राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन पहल के तहत जरूरतमंद परिवारों को 1500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है। वहीं डीएमके ने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा यानी नीट को खत्म करने और निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का वादा किया है। कुल मिलाकर हर राज्य में चुनावी रंग जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कल देर रात 9 उम्मीदवारों की अपनी 6 सूची जारी कर दी। इनमें महाराष्ट्र से 7, केरल के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। इसी के साथ पार्टी 11 अप्रैल से शुरू होने वाले चुनाव के लिए अब तक 146 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। नई दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर विचार विमर्श हुआ। पहली सूची में 11 अप्रैल को 91 और 18 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में 97 सीटों के लिए होने वाले मतदान के लिए उम्मीदवारों के नाम आज घोषित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के बड़े नेता बैठक में शामिल हुए। प्रत्याशियों के चयन के लिए आज भी पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होली की पूर्व संध्या पर ऑडियो ब्रिज के जरिए देश भर के लगभग 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करेंगे। उनके साथ होली के रंग साझा करेंगे। ये मैं भी चौकीदार अभियान के अंतर्गत की गई पहल की श्रृंखला का एक हिस्सा है। बीजेपी ने कहा है कि इसी क्रम में पीएम मोदी 31 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के करीब 500 स्थानों पर उन चौकीदारों से बात करेंगे जो मैं भी चौकीदार अभियान से जुड़े हैं।
समाचारों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल गुड़गांव में सीआरपीएफ के 80वें वर्षगांठ समारोह में परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर अजीत डोभाल ने जवानों को उनकी बहादुरी के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। देश की आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ जैसे सुरक्षा बलों का योगदान काफी अहम होता है। ये बातें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 80वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित खास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि फिर चाहे आतंकवाद हो या कठिन क्षेत्रों में तैनाती या नॉर्थ ईस्ट की चुनौतियां, जहां भी जरूरत पड़ी है सीआरपीएफ ने अहम योगदान दिया है। पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र करते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि जवानों के बलिदान को देश न भूला है और न कभी भूलेगा। पुलवामा के अंदर में एक बहुत ही दारुण उस घटना के अंदर में इतनी सारी जानों की आहुति इस बल को और राष्ट्र को देनी पड़ी। राष्ट्र इसको न भूला है न भूलेगा। देश के नेतृत्व इसका निर्धारण करने में वो सक्षम भी है और उसमें हौसला भी है। चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो आतंकवादियों को सहायता करने वाले लोग हों, हम इसका मुकाबला करेंगे और हर मुसीबत का, हर चुनौती का, हर संकट का उस मुकाबला करने का हमें हौसला भी है और इरादा भी। एनएसए ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि हम आतंकवाद का मुकाबला करेंगे और ऐसे में हमें पता है कि क्या करना है और कब करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने साथ ही आंतरिक सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि किसी भी देश की मजबूती और विकास के लिए उसकी आंतरिक सुरक्षा सबसे अहम है। आंतरिक सुरक्षा की महत्व अगर टूटते हैं, देश अगर कमजोर होते हैं, देशों की प्रगति अगर रुकती है, तो उसका कारण उसकी आंतरिक सुरक्षा की कमी होती है। और इसका जो दायित्व केंद्रीय रिजर्व पुलिस के ऊपर में है, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की सुरक्षा में आपका क्या योगदान है। इस मौके पर सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से एक से बढ़कर एक साहसिक कर्तव्य भी दिखाए गए। कड़े प्रशिक्षण के उपरांत ये महिलाएं अपने बैंड की धुनें भी बजाई गईं, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 24 महीने के कार्यकाल में राज्य को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य की श्रेणी में ला खड़ा किया है। कि जब हमारी सरकार 24 महीने का अपना कार्यकाल संपन्न कर रही है, इन 24 महीनों में हम लोगों ने प्रदेश की एक उस तस्वीर को जो पूरे देश के अंदर बदतर हो चुकी थी, बदहाल हो चुकी थी, जहां पर भ्रष्टाचार और अराजकता एक बदनुमा दाग के रूप में प्रदेश के ऊपर लगा था, हम उससे उभारने में प्रदेश को सफल हुए हैं। दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा है कि संस्थान में प्रसारण के क्षेत्र में नई तकनीकों का इस्तेमाल कर नई पहल की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि चैनल में कई नए कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। डीडी न्यूज ने जो है पिछले कुछ समय में जो है कई नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करने के लिए वीडियो वॉल्स इंट्रोड्यूस करी गई हैं, देन मोबाइल जर्नलिज्म जो है वो डीडी न्यूज में शुरू हो गया है। हमारे रिपोर्टर्स जो है मोबाइल पे स्टोरीज शूट करके जो है वो उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। इससे स्पीड काफ़ी अच्छी बढ़ी है विजुअल्स भेजने की। देन इसके अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक्सप्रेस न्यूज़ शुरू करी है। आप शाम को 9:30 से 10 बजे आधे घंटे के अंदर जो है 100 खास खबरें जो दिन भर की हैं वो कोई आधे घंटे में ही देख सकता है। फिर मिड डे प्राइम बुलेटिन शुरू हुआ है और शीघ्र ही जो है दूरदर्शन न्यूज़ जो है वो इंग्लिश और हिंदी इसको हम सेपरेट कर सकें, इसके लिए भी जो है वो कोशिशें चल रही हैं। नए जो लाइव डिवाइसेज हैं जैसे बैकपैक्स हैं तो और खरीदने जा रहे हैं। देन अभी HD दूरदर्शन जो है वो डीडी न्यूज HD मोड में चला गया है। जो हमारी नई DSNG वैन्स आने वाली हैं उनके अंदर जो है वो भी HD सिग्नल जो है जनरेट करेंगी।
समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं विराम। आज सुबह कुछ अजीब हुआ नेगी जी के आसपास। जिधर नजर घुमा रहे थे दिख रहा था 1950 पहले देखी हलवाई की दुकान जहां बिक रही थी मिठाई एक खास। जब एक किलो का दाम पूछा तो निकला 1950। फिर कालीन दिखी बिकती हुई, कितने में बेचोगे बंधु? 1950। ये हो क्या रहा है मेरे साथ, जा देखो सब 1950। ये तो होना ही था ना भाया, हम मोहल्ले वालों ने मिलकर था ये खेल रचाया, क्योंकि थे तुम अनजाने जरूरी बात से कि वोटिंग संबंधित हर जानकारी मिलेगी 1950 पे। तो जरूरत पड़ने पे 1950 पे जानकारी लेने से चूके ना। याद रहे इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। For more information, log on to nbsp.in or call voter helpline 1950. विराम के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने कहा है कि प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इस बार कुल 14,40,61,692 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि इस बार 7,79,41,577 पुरुष और 6,61,11,941 महिला तथा 8,374 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के, जिनमें दोनों चरणों में 8-8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इनके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। प्रथम चरण के क्षेत्रों के लिए कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और द्वितीय चरण के जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये पहले चरण के 8 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 1,50,65,682 मतदाता हैं, जिनमें 82,24,835 पुरुष हैं और 68,39,833 महिला और 1,014 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इसमें कुल 6,716 मतदान केंद्र तथा 16,518 मतदेय स्थल हैं। द्वितीय चरण के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान में कुल 1,40,76,635 मतदाता हैं, जिनमें 75,83,431 पुरुष और 64,92,326 महिला मतदाता हैं और 878 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। इस चरण के लिए कुल 8,751 मतदान केंद्र और 16,162 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनार पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि विकास रोजगार की बात कौन कहे, 15 लाख रुपए आने की बात कही गई जो आज तक नहीं है। सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, उनकी उपज का मूल्य नहीं मिलता, बीज खाद पानी कुछ भी समय से नहीं मिलता, चुनाव आने पर बस घोषणाएं करते हैं। किसानों की हालत बदतर है, उनको 6,000 रुपए देने की बात कही गई थी पर कुल 2,000 रुपए ही दिया गया। प्रियंका गांधी ने लोगों से कहा कि विकास आपका अधिकार है जिसे आपको मांगना चाहिए, आपको नेताओं को सबक सिखाना चाहिए, वोट की ताकत को पहचानिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने फरुखाबाद में कहा कि कांग्रेस इस बार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। सलमान खुर्शीद को कांग्रेस ने फरुखाबाद से प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने लोगों से जनसंपर्क किया, पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के प्रचार से हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा प्रदर्शन बेहतर होगा। मुजफ्फरनगर में भाजपा के अनुसूचित जाति के सम्मेलन में प्रदेश की समाज कल्याण राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने कहा कि पीएम मोदी अंबेडकर के मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें सबसे अधिक दलित उत्थान की चिंता है। श्री मोदी पीएम पद से हटे तो देश के दलितों का सबसे बड़ा नुकसान होगा। मायावती ने दलितों के वोटों का हमेशा सौदा करने का काम किया है, मोदी ने दलित उत्थान का काम किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने दलितों के आरक्षण से लेकर मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए काम किया है। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चली उन सभी में दलित वर्ग को ही केंद्र में रखा गया है। सम्मेलन को विधायक कपिल देव अग्रवाल ने भी संबोधित किया। आप ये कहिए कि आपकी सरकार क्या सोच रही है, कितना आपने देखा नहीं, अभी हमने सब बताया कि जितना भी है दलितों के बारे में ही सोचा जा रहा है कि दलित दलित ना रहे, वो संपन्न बने, वो मजबूत बने,
उसके अंदर एक आंख में विश्वास बढ़े, यही तो माननीय मोदी जी सोच रहे हैं। और उसी के लिए सारी सुविधाएं हमारी योजना, हर योजना में हर दलित वर्ग के हित छिपा हुआ है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया और पीस पार्टी के बीच कल गठबंधन तय हो गया। इसकी घोषणा प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव और पीस पार्टी प्रमुख डॉ अयूब ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की। इस दौरान प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए हम सभी सेकुलर दलों से गठबंधन करने को तैयार थे, लेकिन कई दलों ने निजी स्वार्थ को वैधता दी। इसके साथ ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अपने 31 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की, जिसमें शिवपाल सिंह यादव फिरोजाबाद से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद अयूब अंसारी जो अध्यक्ष पीस पार्टी के हैं, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस आज बनाया है। ये जो हमने अभी जो नाम गिनाए, इनके माध्यम से जो हमने ये संयुक्त मोर्चा बनाया है। वैसे तो मैंने पहले से भी हमने जो सेकुलर मोर्चे के माध्यम से बहुत से छोटे छोटे दलों को मिला करके हमने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। 17वीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए आगरा में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन बड़ी संख्या में चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगरा शहर और फतेहपुर सीकरी लोकसभा के लिए 39 नामांकन फॉर्म की खरीदारी की गई, लेकिन किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं किया। नामांकन के लिए जिला मुख्यालय में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम के साथ साथ तीसरी आंख से भी निगरानी की जा रही है। जिला मुख्यालय के एडीएम कोर्ट कक्ष में आगरा शहर लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे, वहीं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के लिए डीएम कोर्ट कक्ष में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया जाएगा। फतेहपुर सीकरी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंची उत्तरा देवी ने बताया कि शिक्षा, रोजगार और बहुजन समाज के उत्थान के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगी। ज्यादा से ज्यादा मैं एजुकेशन पे फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के समय में स्टूडेंट फॉर्म डाल देते हैं, ना कॉलेज जाते हैं ना इतनी पढ़ाई भी नहीं है। मैंने भी कॉलेज में भी गई हूँ, घूम घाम करके घर पे आ जाते हैं। उनके लिए कड़ी से कड़ी एजुकेशन होनी चाहिए, जो सभी देशों में समान एजुकेशन मिलती है बच्चों को, वैसी आज भारत में मिलनी चाहिए। कन्नौज जिले में आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत मौजूदा सांसद डिम्पल यादव द्वारा गोद लिए गए गांव सैयदपुर सीकरी में 5 साल गुजर जाने के बाद भी उनके नाने से लोगों में नाराजगी देखने को मिली। गोद लिए गए गांव में रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि 5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन डिम्पल यादव अपने गोद लिए गांव में एक बार भी नहीं आए। गांव में आधा अधूरा विकास हुआ है। सांसद के नाने पर वहां के मौजूदा ग्राम प्रधान ने मनमानी तरीके से आधे गांव में विकास कराया। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म हो। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर जिला जेल अधीक्षक ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके जरिए जेल में बंद कैदियों से मिलने आ रहे उनके परिजनों को जेल अफसर मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जेल में मिलने वाले प्रत्येक सदस्य के हाथ पर लगाई जा रही है मतदान करने की मोहर। मोहर पर लिखा है कि मतदान अवश्य करें। इस मुहिम में रोजाना लगभग 200 लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जिला जेल अधीक्षक ने मीडिया को बताया कि बिजनौर जिले में 11 अप्रैल को मतदान होना है और मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग तरह तरह के कार्यक्रम चला रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक दिवस 150-200 और इतवार के दिन करीब 300-350 की जनता बाहर से मुलाकात करने बंदियों के लिए आती है, तो इस संदर्भ में जितने भी लोगों को अधिक से अधिक हम कवर कर सकें, क्योंकि हम और जगह जाकर प्रचार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन यहाँ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। 450 लोगों को हम लोग लगा चुके हैं और ये 10 अप्रैल तक लगातार यहाँ जारी रहेगा। सन 2010 के मार्च महीने में शुरू हुआ यह सफर हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में से राजकीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है, मगर हमारे घर आंगन में खेलने वाली ये नन्ही चिड़िया आज गांव तक सिमट कर रह गई है। पर विश्व गौरैया दिवस पर हम इसके संरक्षण का संकल्प तो ले ही सकते हैं। घर के आंगन में फुदकती गौरैया कभी झुरमुट में कभी घर के रोशनदान में चहकती हुई सी। बदलाव ने घरों के आंगन को छोटा कर दिया, रोशनदान बंद हो गए। देखते ही देखते गौरैया ने हमसे नाता तोड़ दिया।
चमकदार इमारतों और ऊंचे टावरों से घिरे महानगर गौरैया को रास नहीं आए। इस नन्ही सी चिड़िया ने यहां से अपनी उड़ानों को समेट लिया। यूरोप के देशों में तो गौरैया लुप्त हो चुकी है। यह हमारी जैव विविधता चक्र के लिए बड़ा खतरा है। गौरैया से नाता पुराना है, बचपन की दोस्ती है। इसके लिए अफसोस से कहीं अच्छा होगा कि हम गौरैया को आंगन और अनाज के कुछ दाने दे पाए। 8 साल पहले शुरू किए गए हर घर गौरैया अभियान का असर अब बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में दिखाई देने लगा। आज के दिन 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस पर हर साल ललितपुर में 100 से अधिक लोगों को वन विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएं, पर्यावरण के जागरूक लोगों के सहयोग से प्रदर्शनी के माध्यम से जोड़ा जाता है। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से आज तक जो जागरूकता के आयोजन किए गए हैं और घोंसले वितरित किए गए हैं उनका आज परिणाम यह है कि 60-70% घोंसलों में अब गौरैया ने अपना आशियाना बना लिया है। ललितपुर के महेशपुरा ग्राम के गिरिराज इंटर कॉलेज में विद्यालय के छात्रों और को कर्मचारियों के सहयोग से जो गौरैया संरक्षण के प्रयास किए गए वे जमीनी हकीकत में दिखाई देने लगे हैं। ललितपुर शहर में भी स्कूल, घर, ऑफिस में गौरैया वापस आ चुकी है। पर्यावरणविद डॉक्टर राजीव निरंजन का मानना है कि जब से हमने आधुनिकता के कारण घरों में मच्छर जाले लगाना शुरू किया वहीं से प्यारी गौरैया का घर में प्रवेश बंद हो गया। इनके संरक्षण के लिए घरों के बाहर घोंसले रखे जा सकते हैं। पर्यावरण के संतुलन और फसलों के परागकण के लिए इनकी उपस्थिति बेहद जरूरी है। होली रंगों का त्यौहार है और खासतौर पर बच्चों के लिए होली का त्यौहार सबसे खास होता है। छोटे छोटे बच्चे जब पिचकारी से एक दूसरे पर रंग डालते हैं उनके चेहरे की मुस्कान देखते बनती है। ऐसे बच्चे जिनका कोई अपना नहीं है उन बच्चों के बीच जाने अनाथ बच्चों को खुशियां देने से दोगुनी हो जाती है। बरेली में समाज सेवी संस्थाओं ने अनाथालय में बच्चों के साथ होली बड़ी धूमधाम से मनाई। राष्ट्र जागरण युवा संगठन बरेली के सदस्यों ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आर्य समाज अनाथालय में अनाथ बच्चों के साथ होली खेलकर और उनके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। जस्टिस पिनाकी चंद घोष होंगे देश के पहले लोकपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया नियुक्त। लोकपाल समिति में 8 और सदस्यों को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। कहा उनकी लोकसभा सदस्यता से ज्यादा जरूरी है गठबंधन की सफलता। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साबित किया बहुमत। मनोहर पारिकर के निधन के बाद सावंत हुए थे मुख्यमंत्री निर्वाचित। घर आंगन में खेलने वाली नन्ही चिड़िया गौरैया के संरक्षण के लिए मनाया जा रहा है विश्व गौरैया दिवस। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।